हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ग्राफिकल मेथड से किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करें। तो हम बात करें द सॉल्व ग्राफिकली द फॉलोइंग एलपीपी, यानी कि जो हमें एलपीपी दे रही है उसको हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे इक्वेशंस दे रखी हैं जेड इट्स इक्वल टू 3x1 प्लस 5x2 माइनस 3x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल टू 12, 2x1 माइनस x2 ग्रेटर एंड इक्वल टू माइनस 2, 2x1 प्लस 3x2 ग्रेटर एंड इक्वल टू माइनस 2, x1 एंड x2 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। और यहाँ x1 ग्रेटर है और इक्वल है 4 के, x2 ग्रेटर और इक्वल है 2 के। तो हम लेट करेंगे यहाँ पे, लेट अस कंसीडर द इक्वेशंस, लेट अस कंसीडर द इक्वेशंस, लेट अस कंसीडर द इक्वेशन। अब हम जो इक्वेशन हमें ऊपर दे रही हैं उनको हम अपनी इक्वेशन बना लेंगे, माइनस 3x1 प्लस 4x2 इक्वल हो जाएगा 12 के, 2x1 माइनस x2 इक्वल हो जाएगा माइनस 2 के, 2x1 प्लस 3x2 इक्वल हो जाएगा माइनस 2 के। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, हमने तीन इक्वेशंस अपने पास बना ली। तो हम देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 सबसे पहले हम इक्वेशन 1 की बात करते हैं। इक्वेशन 1 से तो हम इक्वेशन 1 से देखेंगे कि पुट लेट x1 इट्स इक्वल टू 0, हम क्या करेंगे यहाँ पे x1 0 लाइट कर लेते हैं। तो हमारी क्या वैल्यू होगा, माइनस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू x2 और इट्स इक्वल टू 12। तब हम यहाँ देखेंगे ये हो जाएगा 4x2 इट्स इक्वल टू 12। तो x2 इट्स इक्वल टू 12 अपॉन 4, तो 4 वन ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ x2 इट्स इक्वल हो जाएगा 3, यहाँ x2 की वैल्यू हो जाएगी 3। तो हमारे पॉइंट बन जाएंगे 0,3। अब हम क्या करेंगे, लेट x2 इट्स इक्वल टू 0, अब हम यहाँ पे x2 को 0 का लेट करेंगे। जब x2 0 हो जाएगा इस इक्वेशंस में, तब हम देखेंगे माइनस 3x1 प्लस 4 इंटू 0 और इट्स इक्वल टू 12। तो माइनस 3x1 और इट्स इक्वल टू 12, तो x इट्स इक्वल टू माइनस 12 अपॉन 3, तो 3 वन ज़ा 3, 3 फोर ज़ा 12, तो x इट्स इक्वल हो जाएगा माइनस 4 के, x1 हो जाएगा हमारा माइनस 4 के। तब पॉइंट हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे x1 माइनस 4 और x2 0। तो हम दोनों के पॉइंट्स की अगर हम बात करें, इक्वेशन 1 के जो हमारे पास पॉइंट बनते हैं वो 0,3 एंड माइनस 4,0। तो इक्वेशन 1 के हमारे पास ये पॉइंट आ जाते हैं। यहाँ हमारे पास इक्वेशन 1 के पॉइंट आ गए। अब हम बात करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, हमें ये इक्वेशन 2 दे रखी है 2x1 माइनस x2 इट्स इक्वल टू 2। तो इक्वेशन 2 के लिए हम लेट करेंगे पुट फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से। अब हम इक्वेशन 2 में देखेंगे पुट लेट x1 इट्स इक्वल टू 0, हम इक्वेशन 2 के x1 की वैल्यू 0 रखेंगे। तब हम यहाँ देखते हैं 2x1 है, तो 2x1 माइनस x2 इट्स इक्वल टू माइनस 2, ये हमारे पास इक्वेशंस है। तो हम देखेंगे 2 इंटू 0 माइनस x2 इट्स इक्वल टू माइनस 2, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू हो जाएगी माइनस x2 और इट्स इक्वल टू माइनस 2। तो माइनस से माइनस कैंसिल, x2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2। तो हमारे यहाँ पे पॉइंट बनेंगे, हमारे पॉइंट हो जाएंगे यहाँ पर
एक्स वन हमने लिया था 0 और एक्स टू आया हमारे पास 2, तो 0.2, तो हमारे पास पॉइंट होगा 0.2। इसी तरह से हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट एक्स टू इट्स इक्वल टू 0, एक्स टू इक्वल टू 0 रखेंगे तो 2x1 - 0 इट्स इक्वल टू -2, तब हम देखेंगे 2x1 इट्स इक्वल टू -2 और x1 इट्स इक्वल टू -2/2, तो 2 1 2, तो x1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -1। तब यहाँ पे हम पॉइंट देखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पॉइंट आ गए x1 की वैल्यू -1 और x2 की वैल्यू 0। तो इक्वेशन 2 से जो हमारे टोटल पॉइंट आए तो वो पॉइंट है 0.2 एंड -1.0। ये हमारे इक्वेशन 2 से पॉइंट हमको मिल गए। अब हम बात करेंगे फ्रॉम इक्वेशंस 3। अब यहाँ हम बात करेंगे इक्वेशन 3 से, तो देन फ्रॉम इक्वेशन 3, तो लेट x1 इट्स इक्वल टू, हम यहाँ देखते हैं अगर हम x1 की वैल्यू 0 पुट करते हैं, यहाँ साइड में आपको पुट करके दिखाते हैं, अगर हमने यहाँ x1 की वैल्यू 0 पुट कर ली तो यह हो जाएगा 2 का 0 + 3x2 और इट्स इक्वल टू -2, तो यहाँ x2 इट्स इक्वल टू -2/3 हो जाएगा, तो हमारे पॉइंट ये सही पॉइंट नहीं आएंगे, इसलिए हमें ऐसी वैल्यू यहाँ ऐड करनी होती है जिससे हमारे सीधे पॉइंट्स हो जाएँ और पॉइंट जो हो छोटे से छोटे पॉइंट्स होने चाहिए। अब हमारे x1 है तो x1 की वैल्यू क्या पुट करें कि x2 की वैल्यू छोटी आ जाए और सीधी वैल्यू आए, तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे x1 की वैल्यू 2। अगर हम यहाँ x1 की वैल्यू, तो लेट x1 इट्स इक्वल टू 2, तो 2 × 2 + 3x2 इट्स इक्वल टू -2, तो 2 2 = 4 + 3x2 इट्स इक्वल टू -2, तो ये 4 प्लस का है इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 3x2 इट्स इक्वल टू -6 और x2 की वैल्यू आ जाएगी -6/3, 3 1 3 3 2 6 इट्स इक्वल टू -2, तो x2 की वैल्यू हमारे पास आ गई -2, तो हमारे यहाँ पॉइंट बन जाएंगे, क्या पॉइंट बनेंगे देखो, x1 का तो 2 और x2 का बन जाएगा -2। अब हम बात फिर लेट करेंगे लेट x2, अब यहाँ पे सोचते हैं x2 की वैल्यू क्या रखें, अगर हम यहाँ पे x2 की वैल्यू 0 रख देते हैं, x2 की वैल्यू हमने यहाँ के रख दी 0 रख देंगे, तो x1 तो हमारा ये पॉइंट्स वैल्यू सही हो जाएगी, देखो 2x1 है और -2, 0 रख देंगे तो यहाँ वैल्यू अच्छी बन जाएगी, तो x2 इट्स इक्वल टू 0, तो 2x1 + 3 × 0 इट्स इक्वल टू -2, तो x1 इट्स इक्वल टू -2/2, क्योंकि ये तो 0 हो गया, तो 2 1 2, तो x1 इट्स इक्वल टू -1, तो यहाँ पे हमारे x1 की वैल्यू -1 हो गई। तब हम यहाँ पे पॉइंट देखेंगे, यहाँ हमारे पॉइंट बन जाएगा -1.0, तो हम टोटल पॉइंट देखते हैं इक्वेशंस के, 2, -2 एंड -1.0, तो ये हमारे इक्वेशंस के पॉइंट आ गए। अब हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, पॉइंट 1 0.3 -4.0 और पॉइंट 2 है 0.2 -1.0 और इक्वेशन 3 से 2, -2 और -1.0, और हमारे पास पीछे इक्वेशंस दे रखी हैं, यहाँ x1 ग्रेटर एंड इक्वल है 4 से और x2 ग्रेटर और इक्वल है 2 से। अब हम आगे बढ़ आते हैं, अब हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, तो हम देखेंगे ग्राफ की। तो फ्रेंड्स, हमें ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले अपने दो एक्सिस कर लेने चाहिए, x1 एक्सिस और x2 एक्सिस। ये हमारा x1 एक्सिस हो गया और ये दूसरा हमने x2 एक्सिस ले लिया, ये x1 एक्सिस है और ये x2 एक्सिस है। अब हम पॉइंट्स की बात करते हैं, जो हमें सबसे पहले हम पॉइंट देखेंगे वे पॉइंट जो हमें इक्वेशन 1 से मिले थे, कौन से, 0.3, तो ये हमारा 0 है पॉइंट, x1 हो गया 0। अब x2 की बात करें, x2 होगा
थ्री, तो एक्स वन वन टू थ्री, तो ये हो गया थ्री, तो ये पॉइंट्स होगा 0,3। अब दूसरा पॉइंट हमारा -4,0, यानी कि एक्स वन कौन सा है -4, तो -1, -2, -3 एंड -4, और ये हो गया 0, तो -4,0। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को मिला देंगे, तो फ्रेंड हम इस पॉइंट को मिला देंगे। और पॉइंट मिलाते वक्त एक चीज़ का खास कर याद रखना है कि लाइन जो होनी चाहिए वो ज़्यादा लंबी होनी चाहिए, छोटी लाइन नहीं लें, यहाँ बड़ी लाइन लें। अब हम इसके देखेंगे वापस इक्वेशन वन पर आते हैं। ये हमने इक्वेशन वन का पोर्शन ले लिया, ये हमारे पास थी -3x1 + 4x2 < 12। अब हम क्या करके देखते हैं, यहाँ एक्स वन की वैल्यू जीरो रख के देखते हैं, तो ये जीरो और ये जीरो, क्या जीरो की वैल्यू 12 से छोटी होती है? हाँ ये बात सच है, जब जीरो की वैल्यू 12 से छोटी होती है तो इसका जो डायरेक्शन होगी वो अंदर साइड की तरफ होंगे। यानी कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो नीचे की तरफ ग्राफ आएगा। अब हम आते हैं इक्वेशन नंबर टू के पॉइंट्स पर। तो हमारे इक्वेशन नंबर टू के पॉइंट है 0,2 एंड -1,0। 0,2, तो हमारा पहला 0 और x1 0 और x2 जो है हमारा वो है 0.2, तो 1 एंड 2, तो ये हमारे पॉइंट्स हो गए 0,2, तो 0,2 हमारे पास ये पॉइंट्स हो गए। अब दूसरा है हमारा -1,0, तो ये 0 और ये हो गया -1 और यहाँ 0, तो ये हो गया -1,0, तो हमारे पास ये पॉइंट होगा -1,0। तब हम क्या करेंगे, हम इन पॉइंट्स को मिला देंगे। हमने क्या किया, ये पॉइंट्स मिला दिया। अभी जैसे हमने आपको भी पहले बताया था कि लाइन हमें ज्यादा से ज्यादा लंबी लाइन रखनी है, तो हम इक्वेशन टू देखते हैं वापस कि इसका ग्राफ किस तरफ डायरेक्शन में बन रहा है। तो यहाँ इक्वेशन टू है 2x1, तो यानी कि इसको हम जीरो कर देते हैं, इसको जीरो कर देते हैं, तो टोटल जीरो, यानी कि जीरो की वैल्यू जो है बड़ी होगी -2 से, ये बात सच है, तो यानी कि इसका ग्राफ जो आएगा ये नीचे जीरो की तरफ को आएगा। ग्राफ जो हमारा आएगा वह जीरो की तरफ को आएगा, तो जीरो के डायरेक्शन में इसका ग्राफ हो गया। अब हम बात करते हैं इक्वेशंस थ्री से मिले पॉइंट्स की। तो इक्वेशंस थ्री से मिले पॉइंट तो हमारे पास 2,-2 एंड -1,0, तो 2,-2, तो हम x1 है हमारा 2 और x2 है -2, तो x1 देखते हैं 1 एंड 2, ये तो x1 हो गया हमारा, x2 है -2, तो माइनस जाएंगे x2 का नीचे के डायरेक्शन में, तो 1 और 2, तो ये पॉइंट वन है हमारे 2,-2, ये पॉइंट्स हो गया हमारा 2,-2। दूसरा पॉइंट थे हमारे पास -1,0, तो -1,0 का पॉइंट्स ऑलरेडी हमारे पास ये है, तो हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को मेजर कर देंगे। जब हम इन पॉइंट्स को मिला देंगे, अब हम इन पॉइंट्स को मिलाने का फिर से इक्वेशन से चेक करते हैं कि हमारा जो ग्राफ है वो किस डायरेक्शन में है। तो यहाँ देखते हैं, इसको हमने ज़ीरो कर दिया, इसको ज़ीरो रख के देखा, तो यानी कि ज़ीरो की वैल्यू जो है वो बड़ी है -2 से, तो ज़ीरो की वैल्यू ग्रेटर है -2 के, तो यानी कि यह बात सच है, तो इसका जो ग्राफ की डायरेक्शन होगी वे ज़ीरो की तरफ होगी।
तो फ्रेंड्स ये तो हमारी ये क्वेश्चंस हो गए, तीनों इक्वेशंस, लेकिन हमारे पास दो इक्वेशंस और दी जो भी हमने आपको पीछे बताया था, एक्स वन की वैल्यू ग्रेटर है 4 से और एक्स टू की वैल्यू ग्रेटर है 2 से। तो एक्स वन की वैल्यू जो है हमारी वे ग्रेटर है 4 से, यानी कि एक्स वन की वैल्यू 4, तो 1 2 3 4, यानी कि एक्स वन की वैल्यू जो हमारी 4 आएगी वो यहाँ आएगी और इसका हम एक लाइन ग्राफ बना देंगे। तो इसके इससे हम चेक करते हैं कि इस ग्राफ की डायरेक्शन किधर है, यानी कि एक्स वन की वैल्यू जो है वे ग्रेटर है 4 से, तो यहाँ 0 की वैल्यू ग्रेटर है 4 से, क्या ऐसा पॉसिबल है कि 0 की वैल्यू कभी ग्रेटर हो सकती है? नहीं, तो इसलिए इसकी डायरेक्शन जो होगी ये 0 के बाहर चला जाएगा। इस ग्राफ की डायरेक्शन जो हो जाएगी वो 0 के बाहर की तरफ हो जाएगी। अब हम चेक करते हैं दूसरी वैल्यू, क्या थी हमारे पास, वे थी एक्स टू की वैल्यू जो है ग्रेटर है 2 से, तो एक्स टू, तो एक्स वन एक्स टू की वैल्यू क्या है 2 से ग्रेटर या 2 के इक्वल, तो यहाँ हमारा एक्स टू का ग्राफ बन जाएगा। ये हमारा आ गया एक्स टू का ग्राफ। अब हम देखेंगे एक्स टू के अकॉर्डिंग, अगर यहाँ 0 रख लेते हैं यानी कि 0 की वैल्यू 2 से ग्रेटर होगी? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि इसकी ग्राफ की जो डायरेक्शन होगी वो ये भी ऊपर की तरफ जाएगी 0 के अगेंस्ट। अब हम देखते हैं कि हमारा जो ग्राफ बना वो कौन से वाले पोर्शन में ग्राफ बना। सबसे पहले हम इस पोर्शन से बात करते हैं, इस पोर्शन के अंदर देखेंगे, यानी कि इस पोर्शन में इन डायरेक्शन से इन डायरेक्शन, ठीक है, लेकिन इसकी डायरेक्शन से ऊपर जाने के इस पोर्शन में हमारा ग्राफ नहीं बन सकता। अब इस पोर्शन में चेक करते हैं, इस पोर्शन में ठीक है नीचे की तरफ आ रहा है, इसमें ऊपर की तरफ यहाँ ग्राफ सकता है यहाँ, लेकिन इस वॉल की बात करें तो ये बाहर की तरफ जा रहा है, इसलिए यहाँ पर भी ग्राफ पॉसिबल नहीं है। अब इस पोर्शन की बात करते हैं, इस पोर्शन में देखते हैं ग्राफ बाहर की तरफ बन रहा है, ठीक है, यहाँ अंदर की तरफ आ रहा है, यहाँ से भी ठीक है, यहाँ देखते हैं ऊपर की तरफ, यहाँ से भी ठीक है, इससे देखेंगे तो भी ये इसके अंदर की तरफ आएगा, तो यानी कि हमारा ये वाला जो पोर्शन बना ये हमारा ग्राफिकल पोर्शन हो गया, ये हमारा हो जाएगा ग्राफिकल पोर्शन जिसके पॉइंट्स थे। इस पोर्शन की बात अगर हम करें, ये थे 4.0, सो ये फ्रेंड्स ये हमारा पॉइंट जो बनेंगे वो बनेगा 4.2। देखो ये 1 2, ये 1 2 हो गया, 1 2 3 4, तो ये 4.2 हो गया एंड। अब इस पॉइंट्स की बात करते हैं ये कितना है, देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये पॉइंट्स बनते हैं 4.6, तो हमारा ये पॉइंट होगा 4.6। अब हमारे ये पॉइंट्स हम गेट कर चुके हैं, अब हम देखते हैं जो हमें आगे वर्क करना है वो क्या करना है। अब हमें एक थोड़ा छोटा सा टेबल बनाना होगा, तो हम एक टेबल बनाते हैं जहाँ हमें लेने होंगे सबसे पहले कॉर्नर पॉइंट, और यहाँ दूसरी रखनी होगी जेड की वैल्यू 3x1 + 5x2, जो कि जेड की वैल्यू हमें यहाँ दे रखी होगी। अब हम इसको टेबल बना लेंगे, अब हम देखते हैं कॉर्नर पॉइंट। तो सबसे पहले हमारे कॉर्नर पॉइंट क्या थे, पहला कॉर्नर पॉइंट है 4.2, तो ए कॉर्नर पॉइंट होगा 4.2। अब 4.2 ए कॉर्नर पॉइंट होगा, तो यहाँ पर ए के जेड के में वैल्यू पुट करेंगे, एक्स वन के स्पेस पे 4, तो 3 × 4 + एक्स टू के स्पेस पे 2, तो 5 × 2 = 3 × 4 = 12 और 5 × 2 = 10, 10 और 12 दोनों मिलकर हो जाएंगे 22, यानी कि जेड हमारा ए पर जो जेड आ गया वो वैल्यू 22 आ गई। अब हम देखते हैं बी पॉइंट्स, हमारे कौन से थे, 4.6,
तो 4.6 हमारे बी पॉइंट थे, तब जेड की वैल्यू इट्स इक्वल टू 3 इंटू एक्स वन के स्पेस पे 4 प्लस 5 इंटू एक्स वन के स्पेस पे 6, तो 3 4 12 और 5 6 30, तो ये मिल टोटल होगा इनका 42। अब हम चेक करते हैं कोई सी पॉइंट से, नहीं हमारे यहाँ कोई, देखो ए पॉइंट्स बी पॉइंट्स यहाँ इस तरफ को और कोई पॉइंट हमें नहीं मिले, यानी कि इसमें सिर्फ दो ही पॉइंट्स हैं ए और बी, दो पॉइंट्स। अब हम इन दो पॉइंट्स से बात करेंगे। अब हम देखेंगे कि हमें जेड की वैल्यू कौन सी पूछी गई है, मिनिमम ऑफ जेड, यानी कि जो जेड की मिनिमम वैल्यू हमें वो बतानी है। तो मिनिमम वैल्यू जेड की कौन सी है, 22 या 42? 22 जेड की वैल्यू मिनिमम होगी, तो यहाँ हमारा आ जाएगा एट एक्स वन इट्स इक्वल टू 4, एक्स टू इट्स इक्वल टू 2, जेड इट्स इक्वल टू कितना हो जाएगा आंसर 22। ये हमारा हो गया आंसर। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम नेक्स्ट वीडियो को क्वेश्चंस जो करेंगे हम वो करेंगे मैक्सिमम पे, यानी कि हमने यहाँ मिनिमम की वैल्यू फाइंड की थी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे मैक्सिमम के।